आज हम बात करेंगे कि जो कल आपका EMRS का एग्जाम है, फाइनली आपका EMRS का एग्जाम है, मॉर्निंग शिफ्ट में आपके प्रिंसिपल पोस्ट के लिए रहेगा एंड इवनिंग शिफ्ट में जो PZT के पोस्ट के लिए एग्जाम रहेगा, ठीक है। स्पेशली मैं PZT की बात करूंगी क्योंकि जो मैं PZT कंप्यूटर साइंस की मैं प्रिपरेशन करवाती हूँ, तो आपको कल क्या बातें ध्यान में रखनी है, क्या लेके जाना है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा अभी तक, एंड जिनका नहीं निकला है वो थोड़ा लेट ट्राई करना क्योंकि अभी साइट बिजी चल रही होगी, तो जो रात का टाइम होता है उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी साइट कम बिजी होती है, ठीक है। तो आप वहाँ तब उस टाइम पे अपना एक बार ट्राई लेना। अब यहाँ पे देखिए, एक तो एडमिट कार्ड का प्रिंट आप अच्छा सा निकालना, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट लेके जा रहे हो, कलर लेके जा रहे हो, ऐसा कुछ वहाँ पे स्पेशली मेंशन नहीं है। उसको ऐसे फोल्ड करके रोल करके मत लेके जाना कि लिया रोल कर लिया पॉकेट में डाल लिया एंड चले गए, ठीक है, अपना उसको अच्छे से लेके जाना। दूसरी बात, ID प्रूफ लेके जानी है आपको। ID प्रूफ में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको उसके प्रिंट आउट लेके जाना है या कोई एक फोटोकॉपी लेके जानी है, लेकिन सेफ साइड के लिए आप उसकी एक फोटोकॉपी रख सकते हो, बाकी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है वहाँ पे। तो ID प्रूफ में आप कुछ भी लेके जा सकते हो, अपना आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जिस पे भी आपके फोटो मेंशन है आप वो लेके जा सकते हो। एक पेन आपको अपनी तरफ से लेके जाना है क्योंकि ऑफलाइन पेपर हो रहा है, ब्लू एंड ब्लैक, आप पेन लेके जाना अपने साथ। बॉल पेन होना चाहिए, जेल वगैरह का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। फिर यहाँ पे बोतल, अगर आपको भी 3 घंटे का पेपर है, आपको लगता है कि 3 घंटे में आपको बार बार में प्यास लगेगी, तो अपने एक बोतल भी साथ ले जाना, 500 ml की, हाफ लीटर की बोतल है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाना, प्रिंटेड वगैरह मत लेके जाना उसमें। फिर आपका मेंशन है भाई यहाँ पे मास्क भी लेके जाना है हमें, तो अगर नहीं है, कोविड वाले मास्क खत्म हो गए हैं, तो मार्केट से जाके एक मास्क खरीद लेना। चलिए, ये सारी बात हो गई। गेट क्लोजिंग टाइम यहाँ पे आपका 2:30 रहेगा। PZT के एग्जाम की बात हो रही है तो यहाँ पे जो सेंटर है वो आपके दूर दूर ही है, या तो दिल्ली आया होगा, अगर हरियाणा वालों की मैं बात करूँ तो दिल्ली आया होगा, चंडीगढ़ आया होगा, तो ऐसे दूर दूर यहाँ पे सेंटर आया है, तो आपने टाइम से चले जाना। 12:30 से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, 2:30 पे आपकी खत्म हो जाएगी, एंट्री क्लोज हो जाएगी, बायोमेट्रिक होने वाली है, तो इसीलिए टाइम से चले जाना, ठीक है। अब देखो, जब हम एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया होगा तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आपका आया था सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का, है ना। तो सेल्फ डिक्लेरेशन आया तो मैंने भी काफी यूट्यूब पे वीडियोस देख डाली, एंड EMRS की साइट एक तो वो चल के नहीं देती है, रात दिन उस पर लगे रहो तब कहीं जाके एक बार वो ओपन होती है, बट मुझे ऐसा कुछ सेटिस्फेक्शन वाला सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का कोई आंसर नहीं मिला कहीं पर भी। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपके कोविड टाइम में जब एग्जाम होते थे उस टाइम पे क्या था कि एडमिट कार्ड के साथ ही आना होता था, तो उसी को हम प्रिंट लेते थे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ आया नहीं आया ना, एडमिट कार्ड, सिर्फ एडमिट कार्ड आया, तो इस हिसाब से समझे तो शायद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें मेंशन है। तो मान लीजिए उन्होंने मान लिया, तो मैंने गूगल पे भी सर्च किया था, तो वहाँ पे कुछ EMRS के मुझे डॉक्यूमेंट्स के लिंक मिले, वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है, लेकिन उस पर क्लिक करोगे तो कोई पेज ओपन नहीं होता है, पेज नॉट फाउंड आ जाता है, तो वो भी कोई बेनिफिशियल वाला पेज नहीं रहा मेरा। फिर मैंने ऐसे ही सर्च कर रही थी तो यूट्यूब पे किसी ने वीडियो डाली हुई थी जिन्होंने अपना एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का लिंक डाला हुआ है। अगर आपने भी वो वीडियो देखी होगी तो आपने भी देखा होगा कि आप अगर ध्यान से देखो ना, तो वहां पे लिखा हुआ है कि आपने 2020 में कहीं पर भी ट्रैवल नहीं किया है ना, तो मतलब है तो वो 2020 का, लेकिन उसके अलावा कोई और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हमारे पास नहीं है। तो एक सेफ साइड के लिए आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेके चले जाना, क्योंकि कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप उसी को ले जाना, ठीक है। अगर आपको मिल गया है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें थी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड अगर PZT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रही हो तो एग्जाम के बाद जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू।